मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कचहरी परिसर से बाहर स्थानांतरित किए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने दूसरे दिन बुधवार को भी जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। बुधवार को भी अधिवक्ताओं का हुजूम सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही एवं मंत्री अजय कुमार शुक्ल के नेतृत्व में अम्बेडकर चौक पहुंचा। यहां धरना प्रदर्शन और अनशन शुरू कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर सड़क जाम कर दी। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को मौके पर पहुंचने के लिए कहा। बारिश के बावजूद अधिवक्ता धरना स्थल पर डटे रहे। इस संबंध में गौरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही ने कहा, व्यवस्थित देखें आप तो ये एक महीने से ज़्यादा दिन हो गए और हम लोगों ने उधर भी आंदोलन किया था, आश्वासन मिला था कि आपका काम हो जाएगा और न्यायाधिकरण का जो कार्यालय है वो दीवानी न्यायालय कैंपस के बगल में ला दिया जाएगा कहीं, लेकिन जब नहीं हुआ है तो फिर हम लोगों ने कल से आंदोलन का स्वरूप बदला है और हम सड़कों पर आकर के प्रशासन को चेताने के लिए यहाँ कल से धरना दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बरसात में भीगते हुए धरना देने के बाद अधिवक्ताओं के प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी कल से नहीं आया है और न पुलिस का अधिकारी आया है और ऐसे में हमारा संयम अब टूट रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। एक महीनों से हमारे न तो न्यायाधिकरण में कोई दावा दाखिल हुआ न कोई काम हुआ है, लेकिन पूरी व्यवस्था न्याय व्यवस्था से लेकर के और प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो गई है गोरखपुर की और वो कोई काम नहीं कर रही है।